मंडी जिला के सुंदरनगर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी राकेश जम्वाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर जीरो चौक कॉलोनी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रूप सिंह ठाकुर, सांसद रामस्वरूप शर्मा मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के उपरांत राकेश जम्वाल ने उपमंडल अधिकारी कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। राकेश जम्वाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस समय मोदी लहर आ चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का गढ़ सुंदरनगर रहा है और भाजपा हर हाल में सुंदरनगर की सीट पर जीत का परचम लहराएगी। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते नामांकन पत्र दाखिल किया है और हमें उम्मीद है जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और आदरणीय अमित शाह जी का नेतृत्व इस देश को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की लहर इसे हिमाचल प्रदेश में चल रही है और निश्चित तौर पर सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। ठाकुर रूप सिंह जी ने इस विधानसभा क्षेत्र को लगातार जीता है, 6 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कमी हम इस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतने में नहीं छोड़ेगी। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की सीट ये हम पार्टी नेतृत्व की झोली में डाल